अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अबरार। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉक्सिकोलॉजी क्लासेस ऑन डिमांड ऑफ आवर थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सो यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज एंड शेयर द वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो सो दे कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ इट। Our mission is to create the channel is to provide a quality education platform for students even at home so they can continue their studies. Okay friends, so let's begin the topic. Ilmusamum toxicology. What is the definition of toxicology? It is a branch of science that deals with the poison with reference to the properties of the poison, sources, mode of action, symptoms which they produce, sign, fatal or lethal dose, fatal period, treatment or management of the poisoning, the study of antidote, and if the cause of the death is the poisoning, then the internal and external post-mortem study in regard to the poison. यानी टॉक्सिकोलॉजी में हम जो पॉइजन होती है उसकी पूरी स्टडी करते हैं। पॉइजन का सोर्स क्या है, पॉइजन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या क्या साइन सिम्टम्स वो कॉज करता है, पॉइजन का फैटल और लीथल डोज क्या है। फैटल डोज इज़ द डोज ऑफ द पॉइजन विच इज केपेबल टू प्रोड्यूस डेथ। एंड फैटल पीरियड, फैटल पीरियड इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन। In toxicology, we also study the treatment or management of the poisoning, the study of antidote. Antidote is the substance which can counter or neutralize the effect of poison. And if the cause of the death is the poisoning, अगर poisoning की वजह से किसी शख्स की death हुई है तो उसका postmortem study में internally क्या क्या changes मिलेंगे, उसकी GIT पर क्या changes होगा, brain पर क्या changes होगा, liver, kidney क्या क्या चेंजेस होंगे, हम इंटरनल ऑर्गन्स पर ये सब स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ एक्सटर्नली स्किन पर ये सब क्या चेंजेस प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन की वजह से, ये सब हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो चलिए इल्मुस्समूम की अब हम उर्दू डेफिनेशन भी जान लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके लिखने के लिए आए तो उर्दू डेफिनेशन भी इसका साथ में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। ये इल्मे तिब की वो शाख है जिसमें नबाती, हैवानी और मादनी जहर से बहस की जाती है। सम की ये खसूसियत, सम कहते हैं जहर यानी पॉइजन को, सम की ये खसूसियत माकस यानी ओरिजिन, तरीक़े का यानी मोड ऑफ एक्शन, सम से पैदा शुदा आवारजात, इलाज से मुतालिक तदाबीर, और अगर सम हलाकत का सबब है तो जिसमें इंसानी की अंदरूनी और बैरूनी बादलमात तब्दीलियों का इल्म, बादलमात तब्दीली यानी पोस्टमार्टम चेंजेस जो बॉडी में होते हैं का इल्म हासिल किया जाता है। यानी देखिए एक ही है इसकी तारीफ, बस ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में थी। अब बात करते हैं पॉइजन की। पॉइजन आखिर क्या चीज़ होती है? Poison is a substance which when ingested, inhaled, injected or applied over the body is capable to produce the harmful effect on the body. यानी poison वो कोई भी substance हो सकता है जिसको ingest किया जाए यानी mouth के ज़रिए खाया जाए या inhale किया जाए या उसको inject कर दिया जाए body में या सिर्फ body पर लगाया जाए, apply कर दिया जाए, तो उसमें इतनी काबिलियत, इतनी capable होता है वो कि वो body के ऊपर harmful effect पैदा कर सकता है, तो वो poison कहलाता है। अब जानते हैं सम की उर्दू डेफिनेशन क्या है। जिस्म में दाखिल होने वाली कोई भी शय जो बजरिए मुंह, बजरिए जिल्द, शमूम, शमूम कहते हैं सूंघना नाक के ज़रिए, जिस्म में पहुंचकर मुजिर असर पैदा करे उसको सम कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, किस तरह से इसकी दर्जाबंदी की जाती है।
तो पॉइजन का जो क्लासिफिकेशन है ये इसकी ओरिजिन यानी इसके सोर्स के बेस पे किया गया है, जिस तरह से आप लोगों ने अदविया मुफदात में पढ़ा होगा। मौलिदिस सलासे यानी दवाओं के तीन ओरिजिन होते हैं, प्लांट ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन। इसी तरह से यहाँ पॉइजन्स को भी इसी तरह क्लासिफाई किया गया है, इसके तीन ओरिजिन हैं, प्लांट ओरिजिन पॉइजन होते हैं, मिनरल ओरिजिन है एंड एनिमल ओरिजिन। तो अब जान लेते हैं प्लांट ओरिजिन पॉइजन कौन कौन से हैं। इसमें है क्रोटोन सीड, जैसे आपने क्रोटोन टिग्लियम पढ़ा है, हप्पुस सलाती, रिक्सिनस कैमिनिस, वेदांची और अरंड भी कहते हैं इसको, कैनाबिस सटाइवा यानी भांग, नक्सोमिका ऐसे कुछ लाजार आखिर में कहते हैं, एब्रस प्रिकेटोरियस यानी घोगची, कैलोट्रॉपिस मदार, और भी इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है जो आप लोगों के सिलेबस में हम वन बाय वन हर पॉइजन की पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। अब बात करते हैं एनिमल ओरिजिन पॉइजन। एनिमल ओरिजिन पॉइजन में कोबरा, वाइपर, क्रेर ये तीनों हैं, स्नेक और सेकेंड है कैंथेराइड यानी ब्लिस्टर फ्लाइट, इसे जरारी भी कहते हैं, और लास्ट है स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। मिनरल ओरिजिन पॉइजन में आते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन, थेलियम, जिंक, मरकरी, लेड, और भी इसकी लिस्ट है जो इसमें आप लोगों के सिलेबस में होंगे, वो पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। अब बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन यानी किस किस रास्ते से पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पर। तो इसको ब्रॉडली टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, सिस्टमिक एंड लोकल। सिस्टमिक को भी फर्दर टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एंट्रल एंड पेरेंट्रल। सिस्टमिक रूट में क्या होता है, सिस्टमिक रूट में जो पॉइजन हो या कोई भी मेडिसिन हो वो डायरेक्टली हमारे सर्कुलेशन में जाती है, जिसकी वजह से जो इसके मुज़िर असर होता है या दवा का हमारी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट होगा या पॉइजन का जो मुज़िर असर एडवर्स इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी पर होता है, पूरी बॉडी इससे जनरलाइज तौर पर मुतासर होती है सिस्टमिक में। और लोकल में क्या होता है, लोकली इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये सर्कुलेशन में नहीं जाता है। सिस्टमिक में जो एंट्रल रूट है, एंट्रल ये बना है वर्ड एंटीरियन से, जिसका मतलब होता है इंटेस्टीन, यानी कि जो एंट्रल रूट में जो पॉइजन हमारी बॉडी में जाता है वो जीआईटी से पास करता है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। एंट्रल रूट में आता है ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। अब बात करते हैं पारेंट्रल रूट की। पारेंट्रल में क्या होता है, पारेंट्रल रिफर्स टू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कोई भी रूट हो सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलावा, वो सब आएगा पारेंट्रल में। पारेंट्रल में इंजेक्शंस आते हैं और इन्हेलेशनल ड्रग्स जो होती हैं, इन्हेलेशनल पॉइजन। इंजेक्शंस में कोई भी हो सकता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, यानी जो मसल्स में दिया जाता है, वेंस में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस जो स्किन के नीचे इंजेक्शन दिया जा सकता है, इंट्रा आर्टेरियल यानी आर्टरीज में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर दिया जा सकता है, इंट्रा थीकल यानी स्पाइनल कॉर्ड में, इंट्रा डर्मल इन टू द स्किन, ये सब पारेंट्रल रूट में इंजेक्शंस में सारे आएंगे ये क्लासिफिकेशन में। अब बात करते हैं लोकल की। लोकल में क्या क्या आएगा, लोकल में स्किन टॉपिकल यानी कि स्किन सरफेस पे पॉइजन को अप्लाई कर दिया जाए, इंट्रानेजल या जो नेजल मिकोसा होता है उस पर लोकली अप्लाई कर दिया जाए, या ऑकुलर ड्रॉप जो आई ड्रॉप्स आती हैं, एंड लास्टली म्यूकोसल थ्रोट, वजाइना और माउथ और ईयर, इन सब की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वजाइना की, थ्रोट की, माउथ ईयर की, इन सब पे अगर लोकली अप्लाई किया जाए तो ये सिस्टम में सर्कुलेशन में नहीं जाता है, ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।